As the year 2022 came to a close, I found myself faced with one of the toughest decisions of my life. It was a choice that I knew many people dream of making, but few actually follow through. Despite the fear and uncertainty, I decided to take plunge and embark on solo journey across Portugal, starting in Lagos and traveling all the way to Porto in just 8 days. The trip was filled with the challenges and unforgettable experiences. And to top it all off, I even spent my birthday completely alone in a foreign country. It was a risky and daring decision, but one that I will always look back on with pride and sense of accomplishment. मैं सफर में हमेशा दो चीजें ध्यान में रखता हूँ, एक है सस्टेनेबिलिटी और दूसरा है बजट। इसीलिए मैंने चूज की सबसे सस्ती रायनेयर ने। सुबह उठकर मैंने मेमिंगन से फारो तक 3 घंटे का फ्लाइट सफर कम्प्लीट किया। फारो एयरपोर्ट से फारो रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए बस ली और वहाँ से लगोस तक ट्रेन में सफर किया। अगर आप पूछोगे कि मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियस है गूगल मैप का इस्तेमाल किया डायरेक्शन के लिए और लोकल लोगों को पूछा लोकल जानकारी के लिए। सो फाइनली आई रीच द लागोस, बट वेदर डजंट सीम्स टू बी गुड। लेट्स सी, थोड़ा बहुत आज सनी बताया शाम को कैसे होता क्या होता है। दिस सोलो ट्रिप वॉज मीन टू बी अनप्लान एक्सेप्ट नंबर ऑफ डेज एंड प्लेसेस टू स्टे। मुझे शुरुआत में कोई आइडिया नहीं थी कि जो जगह पे मैं जाने वाला हूँ उधर कैसे जाऊँगा और क्या एक्सप्लोर करूँगा। अगर आप कभी सोलो ट्रिप ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल में ओवरनाइट स्टे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नए लोगों से मिल सकते हो। पहले दिन में मैं यहाँ के लोग, खाना और ओल्ड वाइफ टाउन से हैरान हो गया। ऑन माई वेरी फर्स्ट डे मैंने हॉस्टल में अपने बैग रख कर सनसेट देखने की तलाश में निकल पड़ा। किधर जाना है मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने गूगल मैप खोला और वेस्ट साइड के बीच पर क्लिक किया और यहाँ से मेरी चेजिंग द सनसेट की कहानी शुरू होती है। बर्थडे, व्हाट डू यू थिंक, अकेले सेलिब्रेट करना चाहिए या दोस्तों के साथ? तो इसी पहेली को आज सुल जाते हैं। 4 दिसंबर मेरे लिए बहुत ही खास और हमेशा रहेगा। मैंने सोचा था सोलो ट्रिप पर हूँ, जैसे मुझे चाहिए वैसे जन्मदिन मनाऊंगा, किसी की रोक टोक नहीं होगी, बट असली हकीकत कुछ और ही थी। तो मैं निकल पड़ा लोगोस की सबसे शानदार सी केव देखने और यहाँ मुझे सोलो ट्रिप की पहली सीख मिली। थोड़ी प्लानिंग तो जरूरी है बॉस, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ सकता। ऑफ सीजन होने के कारण सी केव्स बोट टूर का ऑन द स्पॉट बुकिंग बंद था। तो अभी आई थिंक फाइनली कंफर्म हो गया है कि शायद ये बोट राइड्स आज बंद है ड्यू टू वेदर। अनफॉर्चुनेटली केव्स नहीं देख सकता मैं बोट्स। पर दोस्तों, यह है एक कहानी में ट्विस्ट। अगर इस दुनिया में कुछ चाहिए तो बोलचाल करना बहुत जरूरी है, कनेक्ट विद लोकल पीपल विदाउट एनी हेजिटेशन। तो फिर क्या, इंडियन हूँ और इमोशन से तो भरा ही हूँ। तो मैंने बोट ऑपरेटर को किसी तरीके से मेरी बातों में उलझा लिया और फिर आपके भाई को बोट में जगह मिल गई, वो भी फ्रंट सीट वाली, और फिर हम निकल पड़े ये ब्यूटीफुल सी केव्स एक्सप्लोर करने। You must be curious to know how these caves form, right? When 2 supercontinents split up, this limestone structure formed, and due to sea and rain erosion, this limestone converted into caves-like structure. After completing my cave exploration, one of the locals suggested me to take a walk along Caveside Beach, and here I learned my second learning. लोकल को आपसे ज्यादा चीजों का ज्ञान है तो बेझिझक पूछो और एक्सप्लोर करो। कृपया ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे और मदद जरूर। जनहित में चाहिए। यह
यहाँ के नज़ारों में कुछ अलग ही बातें। अब तक सब कुछ फर्स्ट क्लास था, पर अच्छा टाइम काफी देर नहीं रहता है। वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हिप। रियली ना ही मैं बर्थडे ढंग से मना पाया और ना ही सनसेट नसीब हुआ। Happiness is only real when it's shared. This line from movie called Into the Wild and which hits me hard every time. आज इन्हीं लाइंस को बहुत नज़दीक से महसूस किया। सोचा था बर्थडे अपने तरीके से मनाऊंगा। I felt that when other people makes you special on your special day, that is the real happiness for birthday. So next time I won't be celebrating my birthday alone. That's for sure. कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया का अंत कहाँ पर हो सकता है? नहीं ना? तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक चमत्कारिक जगह पे जिसे कहते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं नहीं बल्कि ये कहते थे रोमन्स। यस, जब साइंस ज्यादा एडवांस नहीं था तभी सैग्रेस को रोमन्स एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। हर दिन सैग्रेस से एक डूबता हुआ सूरज उन्हें दुनिया का अंत लगता था। गूगल भाई से पूछताछ करने के बाद मैंने लगोस से सैग्रेस का बस लिया और देखने चला गया एंड ऑफ द वर्ल्ड। आज के जमाने में लोग इसे साउदर्न एंड पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूरोप भी कहते हैं। ऐसे यहाँ ज्यादा कुछ स्पेशल देखने लायक नहीं है, पर यहाँ की समुद्र की लहरें सर्फर के लिए एक तोहफे की तरह है। तो ये है एंड ऑफ द यूरोप। मतलब पहले लोग सोचते कि जो हॉरिजन देख रहे हॉरिजन उसके आगे दुनिया नहीं है, बट ऐसा नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ दुनिया थी। बाद में पता चला और कल की तरह आज भी बहुत ज्यादा रेन था और उसके ऊपर वेदर डिपार्टमेंट ने हेवी विंड की वार्निंग दी थी। तो फिर क्या, मैं निकल पड़ा लोगोस की तरफ। फिर से जैसे मैं लोगोस पहुंचता हूँ सूरज ने अपना चेहरा दिखाया और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट पड़ गई और मैं फिर से निकल गया सनसेट देखने। और यह मेरे ट्रिप का सबसे खूबसूरत सनसेट साबित हुआ। आपको मैं बयान नहीं कर सकता, पर यह विजुअल से सिर्फ दिखा सकता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि सनसेट देखकर मेरे अंदर का शायर बाहर आता है। हम जितने अकेले होते हैं नहीं ज्यादा नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं। मुझे इस सोलो ट्रिप के दौरान कुछ बार अकेला जरूर महसूस हो रहा था, पर कहीं ना कहीं सनसेट ने वो कमी भर दी। और वो कहते हैं ना कि सनसेट नेवर मेक्स यू फील अलोन, वो मेरे लिए भी सच हो गया। साथ मेरे सोलो ट्रिप की कहानी का पहला चैप्टर कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अगले चैप्टर में मैं आपको सफर करवाऊंगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की और हम फिर से जाएंगे एंड पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूरोप। बट ये डिफरेंट एंड पॉइंट है और इसकी कहानियां भी डिफरेंट है और इसके कहानी में ट्विस्ट भी उतना ज्यादा है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। और अगर आपको इस वीडियो की स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो, अल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अभी तक के लिए अलविदा और जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। घूमते रहिए और सफर करते रहिए।